तो वीएस लॉक्स एंड टेक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको बताऊँ यूज़ कर रहा हूँ इसको 3 महीने से, पीट्रॉन बासबोर्ड्स 481। इसका रिव्यू दूंगा, इसमें क्या क्या मेरे को चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें बुरी लगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये खरीदने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मैं अच्छाइयों की बात करूँगा, तो पहली अच्छाई मुझे इसमें क्या लगी, और हाँ इसमें मैं आपको बता दूँ, जो मैं बताऊँगा आपको सच सच बताऊँगा, जो चीज़ मेरे को इसमें 3 महीने में यूज़ करने पर पता लगा। सबसे पहले अच्छाई ये थी कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, जो ये बड्स होते हैं ये इस पर इग्नोर करना क्योंकि ये टूट गया मेरा, और ये जो बड्स का बैटरी बैकअप है आराम, कंपनी बोलती है कि 4 घंटे चलता है लेकिन मैंने देखा ये 2.5-3 घंटे आराम से चलता है लगातार अगर आप चलाएं तो। बात करूँ तो स्टैंड बाय टाइम की, तो इसमें 100 घंटे का स्टैंड बाय टाइम देखने को मिलता है केस के साथ। केस का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, ये आराम से आपका 3 दिन चल जाता है, कोई इशू नहीं लगा मुझे इसमें, और काफ़ी बार ये चार्ज हो जाते हैं इसके बड्स। आगे एडवांटेजेस की बात करूँ मैं इसकी, तो साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें मेरे को साउंड क्वालिटी मतलब सही लगी, काफ़ी मतलब अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। और इसके आगे डिसएडवांटेजेस में भी एक पॉइंट आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगली जो एडवांटेज मुझे इसमें लगी कि ये जो बड्स हैं इसके, ये काफ़ी मतलब हल्के हैं, लाइट वेट है काफ़ी, मतलब आपको ईयर में आप लगाएंगे तो अभी कोई इशू नहीं लगता, काफ़ी हल्के महसूस होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें, और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं ये, कोई इशू नहीं लगा मुझे इतना बड़ा। अभी बताऊंगा आपको आगे डिसएडवांटेजेस में। आप लॉन्ग टर्म के लिए ईयरबड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला ज़रूर लें, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब कोई इशू नहीं लगा इसमें और लॉन्ग टाइम चलेंगे ये, मुझे इतना पता है। और पीट्रॉन काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, इंडिया का प्रोडक्ट है ये, इसलिए आपको ये भी ख़रीदना चाहिए। बाकी अगली एडवांटेज की बात करूँ इसमें, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये जो है इसका हार्ड प्लास्टिक का काफ़ी, और मतलब ये है कि टूटेगा नहीं इतनी जल्दी। बाकी ये तो टूटा नहीं है, इसकी पिन निकल गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें पिन लगती है, वो पिन मेरे से निकल गई और गुम हो गई कहीं, इसलिए बस ये इशू लगा मुझे, बाकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो पहली डिसएडवांटेज मुझे इसमें क्या लगी, साउंड से ही शुरू करता हूँ। इसमें जो डिसएडवांटेज ये है कि जैसे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन बास वगैरह जो है इसका काफ़ी कम है, बेस वगैरह, और बस ये है बेस वगैरह में ज़्यादा मतलब कमी लगी मुझे इसमें, साउंड काफ़ी तेज़ है उसमें कोई इशू नहीं है लेकिन बेस वगैरह काफ़ी कम है। अगली डिसएडवांटेज मुझे इसमें क्या लगी, जैसे जब आप कॉलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो आपको वॉइस थोड़ी कम देखने को मिलती है, बाकी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कह सकता, मतलब और जैसे बर्ड्स वगैरह आते हैं बोट वगैरह के हो गए, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हो गई और, तो उनके हिसाब से इसकी जो कॉलिंग क्वालिटी है वो थोड़ी लो लगती है मुझे, जैसे आप कॉलिंग करेंगे तब, बाकी ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। अगली डिसएडवांटेज की बात करूँ कि जब आप कॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उस टाइम कई बार मैंने देखा है कि डिसकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये भी मेरे को इसमें इशू लगा, बाकी ये बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट नहीं होता, 1-2 बार डिसकनेक्ट हो जाता है, जैसे आप जब लंबे टाइम तक कॉलिंग कर रहे हैं 1 घंटे तक, तब ये डिसकनेक्ट की प्रॉब्लम मैंने इसमें देखी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत सही तरीके से यूज़ करा है काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब 3 महीने हो गए, काफ़ी होते 3 महीने, और अच्छे से मैंने इनको यूज़ करा है। बाकी आपको अगर ये परचेज़ करना है तो आप ये 800 रुपये तक का लें, ये 1000 रुपये का मिल रहा है इस टाइम फ्लिपकार्ट पे, कई बार सेल लगती है जब 800 रुपये की, तो आप उसको ज़रूर लें, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है प्राइस, 800 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये के हिसाब से वर्थ नहीं लगता मुझे। बाकी आप टाटा क्लिक करके एक ऐप आता है उससे भी आप ये ख़रीद सकते हैं, और मिंत्रा वगैरह पे भी ये मिलता है 800 रुपये का, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं इसे। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे डिसएडवांटेजेस नहीं लगी, हाँ एक ये दिक्कत है कि जैसे आपको कहीं लॉन्ग रूट पे जाना होता है, जैसे स्मॉल साइज़ चाहिए होता है, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं साइज़ का थोड़ा मैंने देखा कि मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये भी डिसएडवांटेज लगी मुझे। इसका साइज़ इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसमें बैटरी जो है काफ़ी अच्छी दी गई है और बड़ी बैटरी है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं लगा। बाकी मैं आपको बता दूँ इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, इसलिए आपको ये ज़रूर परचेज़ करना चाहिए अगर ये 800 रुपये के प्राइस में आपको मिलता है तो। बाकी ये जो जो मैंने आपको बताया ये सच सच बताया, जैसा मैंने 3 महीने में इनको यूज़ करने में मुझे पता लगा मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे चैनल को प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, एज अ स्मॉल यूट्यूबर प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।